हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके आपके चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से। जो मैच हम कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है इंडिया का मैच न्यूजीलैंड से, फर्स्ट T20 मैच। सॉरी, न्यूजीलैंड इंडिया का कल अंडर 19 भी मैच है, तो ये है अंडर T20 मैच, फर्स्ट T20 मैच जो न्यूजीलैंड के खेला जाएगा ईडन पार्क पे। अब कौन कौन से मैच कल कवर करूंगा मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में, पूरी वीडियो एंड तक देखना, बहुत फायदे में जाओगे और साले में बहुत सारी बातें करते हैं। और इंडिया के मैच में थोड़ा इन्वेस्टमेंट देख के करा करो, क्योंकि इंडिया के मैच में जो मैच नहीं खेलते हैं वो भी इंडिया के मैच पर जरूर ड्रीम इलेवन में खेलते हैं, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली थोड़ा हाई हो जाता है। तो आते हैं मुद्दे पर। अगर हमारे हम यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप किसे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं टीम देने वाले, बट यू हैव टू नो कि आप किसे फॉलो कर रहे हो। तो ये मेरा ड्रीम इलेवन प्रोफाइल है, इसके लिंक आपको चाहो तो मैं ड्रीम इलेवन के यूट्यूब के कमेंट में दे दूंगा। तो ये हमारी परफॉर्मेंस देख सकते हो GL की, ये आसपास ही कुछ दो तीन दिन पहले ही आई है। पॉज करके देखते हो, फटाफट कर रहा हूँ मैं। ये वो मैंने सिर्फ वो डाली जिनमें मेरी 100-100 रैंक आई है ग्रैंड लीग में, और देख सकते हो आप फटाफट देख लेना। और 4 हफ्ते पहले ही GL विन करी है, तो ये भी देख सकते हो आप, ये टीम है। तो ये कोई देख लो, रिफ्रेश मार लेता आपके सामने, तो कोई फेक वगैरह नहीं है। आते हैं सीधा मुद्दे पे, जिस शो ऑफ के लिए नहीं है, ये बताने के लिए जो सब्सक्राइबर्स आते हैं उनके लिए। तो एक बार आपको बताया तो मैं कौन कौन से मैच कवर करने वाला हूँ। जो मैच कवर करने वाला हूँ मैं, वो आपको इसका टेलीग्राम पे आएगा, इंडिया ए न्यूजीलैंड का। इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम रखना इसमें भी, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैच है, और प्रैक्टिस वाली मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड ए का। और ये हो गया, इसकी तो आएगी तो वीडियो डाल रहा हूँ, इसकी वीडियो आएगी हरिकेन्स वाले की और थंडर्स की। इसकी नहीं आएगी, टेस्ट मैच है इसकी। आपको तीनों में से सेम टाइम पे तो दो की किसी की टीम दे दूंगा, टेलीग्राम पे बता दूंगा। इसकी मैं दे दूंगा क्योंकि इसका अलग ही एक अलग टाइम पे हो रहा है अकेला मैच, इसकी वीडियो आएगी। तो ये सारे मैच कवर करूंगा, और फटाफट आते हैं इंडिया के मैच में। जो इंडिया का मैच होने वाला है वो होने वाला है ईडन पार्क में, ईडन पार्क ऑकलैंड। पिच के बारे में बात करें, पिच एक अच्छी खासी बैटिंग पिच है, क्योंकि आपको न्यूजीलैंड में पता ही है पिच भले ही अच्छी ना हो, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड्स बहुत छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो यहाँ पे रन्स बनाने आसान होते हैं। क्योंकि अगर बॉल मिस हिट भी होती है, एज भी लगता है, आजकल बैट इतने अच्छे हो चुके हैं, और बैट बॉलर्स की स्पीड वगैरह अच्छी होती है, एज भी लग जाए थर्ड मैन के ऊपर से कहीं भी चौका छक्का चले जाता है। तो बैट्स जो पिच है वहाँ पे वो थोड़ी बाउंस पिच होती है, आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया जो न्यूजीलैंड है वहाँ की पिचेस थोड़ी बाउंसी पिच होती है। तो इंडिया के जो न्यू बैट्समैन होते हैं, जो यंगर हैं, उनको यंगस्टर्स हैं, उनको खेलने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उनको इंडिया में बाउंसिंग पिचेज नहीं होती, उनको थोड़ा खेलने में दिक्कत होती है। बट जो रोहित शर्मा है, इंडिया में सबसे बेस्ट बाउंस बॉलिंग जो खेलता है वो रोहित शर्मा है, और उसके बाद कोई खेलता है तो थोड़ा विराट कोहली अच्छा खेलता है। तो फिर इंडिया में जो दिक्कत होने वाली है, इंडिया को थोड़ा वो बाउंसिंग से बाउंसर बॉल से बच रहना पड़ेगा, क्योंकि फर्ग्यूसन जैसे बॉलर अच्छे हैं, इनके पास स्पीड भी है और अच्छी बाउंस भी डालते हैं, तो इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। जो पिच की बात करें, किसको सपोर्ट करती है बॉलिंग वगैरह बॉलिंग में, तो देखो जो पिचेस होती है न्यूजीलैंड की वो मोस्टली होती है फास्ट बॉलिंग पिचेस। बट इस पिच में देखा जाए तो मैंने कुछ रिकॉर्ड उठा के देखे तो एक आधे मैच, मतलब कंसिस्टेंट हर मैच में स्पिनर आता है, ईश सोडी हो गया, या फिर मिचेल सैंटनर आके एक आधा विकेट दो विकेट बीच में ले जाते हैं। तो एक वो स्पेशल पिक हो सकते हैं, कि मतलब ऐसा नहीं है कि स्पिन को पिच नहीं है, स्पिन को इसलिए थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, सपोर्ट की बात नहीं है इस पिच में, हल्का सा हेल्प इसलिए कि जो स्पिनर्स होते हैं उनको थोड़ा टारगेट करके चलते हैं, जिसके कारण विकेट गिर जाते हैं। क्योंकि छोटे ग्राउंड से और स्पिनर्स को देख के हर बैट्समैन के मन में लालच आता है छोटे ग्राउंड देख के, तो हिट करने के चक्कर में हल्का सा मिस टाइम होता है सामने के टाइम, क्योंकि स्पिनर्स पे मिस टाइम भी हुआ तो पीछे का तो कुछ जाता नहीं है लंबा, क्योंकि बॉलिंग में इतनी स्पीड नहीं होती, बट सामने ट्राई करते हैं मिस टाइम होता है कैच विकेट मिल जाती है। तो ये होता है थोड़ा स्पिनर्स पे इस पिच पे। तो बैट बॉलर्स को थोड़ा डेथ में विकेट मिल जाती है, क्योंकि सबको पता है कि डेथ में बॉलर्स फास्ट बॉलर ही डालते हैं, उनको विकेट मिल जाती है। तो ये करके सही बात करेंगे। अच्छा, ये फिर से मैंने वही खोल दिया। तो आते हैं हम मुद्दे पे सीधा। देखो, राहुल ने तो अपना परफॉर्मेंस दिखा दिया, कंसिस्टेंसी दिखा दी अपनी बहुत अच्छी, पर पिछले साल जो इसी साल भी था, पिछले साल ऋषभ पंत आया तो उसने न्यूजीलैंड टूर में अच्छे रन मारे थे, मतलब ठीक ठाक रन मारे थे, मतलब या इसका थोड़ा आके इसका थोड़ा खेलने का तरीका ऐसा हो चुका है, 10 बॉल 11 बॉल 30 रन मार सकता है, ऐसा प्लेयर हो चुका है। तो इस पर थोड़ा भरोसा करना और थोड़ा रिलायबल रहना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा स्मॉल लीग में, बट इसको फिर हाँ, और इस पर डाउन भी फिक्स नहीं है, इसका ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको हिटिंग करनी है तो थोड़ा ऊपर भेज सकते हैं, अगर टीम अच्छा खेल रही है रुकने की जरूरत है तो इसको नहीं भेजेंगे। तो थोड़ा अब विकेट कीपिंग भी थोड़ा डाउट हो चुका है, क्योंकि राहुल ने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग चालू कर दिया, तो हम राहुल के साथ जाएंगे। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात आता है, शिखर धवन खेलने नहीं वाला है, जो स्क्वाड जो आपको यहाँ पे ड्रीम इलेवन में दिखाई दे ड्रीम इलेवन में इसका नाम दिखाई दे रहा होगा, पर वो नहीं खेलने वाला शिखर धवन। अब बात करते हैं टीम शिफर्ट को जरूर लूँगा, क्योंकि पिछली बार जब इंडिया आई थी न्यूजीलैंड, तो हमेशा से
इंडिया को हमेशा से न्यूजीलैंड में आने में दिक्कत होती ही होती है, मतलब प्रॉब्लम आती है न्यूजीलैंड में खेलने में। शायद मेरे ख्याल से लगता है जब जितने T20 शायद 3 मैच की सीरीज है जो भी है उसमें से 1 मैच इंडिया हारेगी, मुझे ऐसा क्यों फील आता है, क्योंकि जब भी आज तक इंडिया जब भी न्यूजीलैंड गई है इंडिया को हमेशा दिक्कत हुई है, कभी बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ से जीत के आए। बट अभी थोड़ा सिचुएशन चेंज हो चुका है, बट जो स्टार्टिंग के टाइम पर जब सेहवाग का टाइम था, बस ओनली सेहवाग ओपनिंग में 6 रन मारता था, बाकी इंडिया की टीम पूरी फ्लॉप रहती थी। तो अब बात करें टीम शेफर्ड की, तो पिछली बार इंडिया जब यहाँ आई थी तो इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, एक T20 में शायद इसने 77 करीब रन मारे थे, बहुत अच्छा प्लेयर है, प्लस इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है। तो ओपन ओपन करेगा, तो दिक्कत यह है कि मुनरो भी है, गप्टिल भी है और टीम शेफर्ड भी है, तो इन तीनों में से वन सेकंड थर्ड राउंड या फिर ओपन में कौन आता है ये बड़ी दिक्कत है, सोचना पड़ेगा। तो टीम शेफर्ड को मैं लेके जा रहा हूँ, प्लस विकेट कीपिंग और कैचिंग और स्टंपिंग के पॉइंट देगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सैमसन को इतना मौका मिलेगा नहीं, मुश्किल है, शायद पंत के साथ ही जाएंगे वो। बट अभी जो प्रैक्टिस मैच हो रहा है उसमें सैमसन खेल रहा था, तो उसको कंडीशन का थोड़ा यूज्ड टू हो चुका है, क्या पता ये सोच के इसको खिला दे बाई चांस। तो अभी मैं ये सोच के जा रही रहा, पर मैं विराट कोहली को जरूर लेके जाऊंगा, रोहित शर्मा को, क्योंकि ये दोनों प्लेयर को मैं छोड़े बिना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और प्लस गप्टिल को मैं इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि भले इसका सुपर स्मैश में रिकॉर्ड अभी इसने बहुत अच्छे रन मारे हैं, बट एक ये अभी वो वाला गप्टिल नहीं रहा, थोड़ा ये आउट ऑफ फॉर्म रहता है, थोड़ा वो भरोसेमंद प्लेयर नहीं रहा। बट केन विलियमसन को जरूर लेके जाऊंगा, एक इनका सबसे कंसिस्टेंट, अगर अभी करंट टाइम की बात की जाए तो सबसे बढ़िया कैप्टन मुझे लगता है वो है केन विलियमसन। क्यों? क्योंकि इसकी फील्ड सेटिंग बहुत बढ़िया है। अगर आपने ये देखा होगा जो अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी, उसमें आपने देखी होगी कि ऐसी ऐसी जगह पर इसने फील्डिंग लगाई है जहाँ विकेट मिले, जहाँ कोई कैप्टन सोच भी नहीं सकता कि हाँ फील्डिंग लगानी है, और वो अपने उसके बॉलर के अकॉर्डिंग बॉलिंग करते हैं। अगर वर्ल्ड कप भी फॉलो करो, वर्ल्ड कप में भी, तो यही रीज़न था केन विलियमसन की वजह से ही न्यूजीलैंड फाइनल में गई थी। अगर आपने उसकी फील्ड सेटिंग देखी होगी, अगर जो क्रिकेट ऑब्जर्व करता है डीपली उसको पता होगा उसकी फील्डिंग सेटिंग सबसे बेस्ट है। और धवन तो खेल नहीं रहा, तो इसको हम लेके नहीं जाएंगे। और मुनरो की बात करें तो ओपन करेगा और क्रेडिट भी कम है, तो कभी कभी पार्ट टाइम एक आधा ओवर कर लेता है, बट हमें इसको बॉलिंग का, मैं लगता नहीं इसको एक आधा विकेट मिलेगा भी, क्योंकि इंडिया की बैटिंग अच्छी और उसकी बॉल में पेस नहीं है, मीडियम टाइप का बॉलर है, मीडियम फास्ट टाइप का। और रॉस टेलर का इस पिच पर अच्छा रिकॉर्ड है, तो हम इसको भी ले सकते हैं। अय्यर की बात करें तो आप अय्यर को भी ले सकते हो, बट इसका फर्स्ट टाइम होगा न्यूजीलैंड में, तो उसमें को लगता नहीं है कि शायद इतना बेटर परफॉर्म कर पाएगा। बट हमारे पास अच्छे ऑप्शन है, अगर कोई और अच्छा ऑप्शन मुनरो और ये नहीं खेल रहा, तो हम शायद अय्यर के चले जाता मैं। और यहाँ बात करें तो हम ग्रैंड होम का भी इस पिच पर काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है देखा जाए तो, प्लस पार्ट टाइम बॉलिंग करता है 2 ओवर तक। और सेंटिनर का मैंने हमेशा कहा कि ये बीच में आता है, चुपके से एक आधा विकेट लेके निकल जाता है, प्लस 10-15-20 रन मार के भी निकल जाता है, तो ऐसा प्लेयर होता है कि इसके मन किसी का भी ध्यान नहीं आता, बट ऐसा काम कर जाता है। तो इसको ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कर लेना, और अय्यर को भी चाहो तो ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कर लेना आप। और यहाँ पे आप गप्टिल को कर सकते हो, पंत खेलो तो पंत को कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हूँ, दुबे को मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा चांस मिलेगा, बट खेलता भी तो मुझे कोई लगता नहीं कि इतना इफेक्टिव कुछ करके जाएगा। इसकी बॉलिंग तो इतनी कोई खास है नहीं, ऐसी पिचेस पे तो मेरे ख्याल से 6 बॉल पर बहुत छक्के मारेंगे। इसकी बॉलिंग भी इतना कोई इसका है नहीं मुझे लगता है, इतनी अच्छा बॉलिंग लगती नहीं मुझे इसकी। और बैटिंग भी ठीक है, बट अच्छे ऑप्शन पड़े हुए तो क्यों ट्राई करें। सुंदर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी स्पिन को हम इसको लेंगे नहीं, मैं प्रेफर नहीं करूँगा ऐसी पिचेस पे। अगर चाहो तो ग्रैंड लीग में लेना चाहो तो रिस्की वाले ग्रैंड लीग के लिए मैं ट्राई कर सकते हो। जडेजा को थोड़ा ले सकते हो, बट इसका बैटिंग डाउन ऑर्डर नीचे होगा तो बैटिंग आनी मुश्किल होगी, क्योंकि प्लस लेफ्ट न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड है तो जडेजा को शायद हल थोड़े हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ा न्यूजीलैंड वाले स्पिनर्स को दिक्कत होती है उनको खेलने में, तो ये थोड़ा फैक्टर बन सकता है न्यूजीलैंड को देखते हुए। और डैरिल मिचेल की बात करो तो आपने इसको भी फॉलो करा होगा, एक बहुत बड़ा अच्छा ऑलराउंडर, सुपर स्मैश में आपने देखा भी, एक ऑलराउंडर है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से अच्छा पॉइंट देके जाता है, तो इसको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना है। स्मॉल लीग में भी थोड़ा इसको इग्नोर करके चलेंगे। तो बातें हम बुमराह पे, तो बुमराह को हम पूरी ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो हुई थी 3 मैच में सिर्फ इसे 1 विकेट मिला, तो इसको भी तलाश है विकेट की, तो इतना इसको थोड़ा है कि विकेट वगैरह मिले, बट अब इसका क्रेडिट भी हाई है, तो हमें शायद सोचना पड़ेगा किसी और को लेने की। हम चाहेंगे मोहम्मद शमी के साथ जाऊँ, क्योंकि सबसे बढ़िया विकेट टेकर है रिसेंट टाइम में इंडिया की टीम में, जो सबसे बढ़िया विकेट टेकर बॉलर है वो है मोहम्मद शमी। और बात करें हम इस सोडी की, तो इसको मैंने बहुत बार, इसी पिच में मैंने बहुत बार दो दो विकेट, 3-3 विकेट निकालते हुए देखा है, तो ये आपको ग्रैंड लीग में सरप्राइज कर सकता है, क्या पता इंडिया के बीच के 1-2 विकेट निकाल के ले जाइए। ठाकुर को मुझे लगता नहीं मौका मिलेगा, अगर खेलेगा भी तो शायद इसकी बॉलिंग अपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में देखोगे तो बहुत ज़्यादा कुटाई करी थी इसकी, स्पीड अच्छी नहीं है, ज़्यादा स्पीड नहीं है इसकी, तो ये थोड़ी स्लो पिचेस पे काम कर सकता है, क्योंकि इसकी नकल्स बॉल वगैरह अच्छी डालता है ये। और हैमिश बेनेट की बात करी तो इसको बहुत साल बाद, मेरे ख्याल से कितने साल बाद इसको नेशनल टीम में मौका मिला, तो इसको ग्रैंड लीग में कर सकते हो तो करना, बट मैं इतना प्रेफर नहीं करूँगा ना स्मॉल लीग में ना ग्रैंड लीग में। कुगलाइन की बात करें तो मैंने
और आपको बोला ही था ये कि CSK के लिए भी खेल चुका है आपको मैं, और प्लस ये बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, ऐसा नहीं है कि बॉलिंग बॉलिंग करता है, प्लस बैटिंग बहुत अच्छी करता है, इसको बॉलर पता नहीं क्यों, इसको ऑलराउंडर में देना चाहिए, और ये अच्छा बॉलर भी है शायद, मेरे ख्याल से क्रेडिट की वजह से ले रखा लोगों ने इसका 8%, देखो 8 क्रेडिट की दिक्कत आ रही है सबको। और ब्लेयर टिकनर की बात करें तो अपने सुपर स्मैश देखा होगा उसमें हाई, तो पिछले सीजन तक बहुत विकेट, हाईस्ट विकेट टेकर था ये, मतलब विकेट टेकिंग बहुत विकेट लिया इसने ब्लेयर टिकनर ने, तो चाहो तो इसको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकता, पर मैं ट्राई नहीं करके जाऊँगा। अब मैं चाहूँ तो बुमराह को ले लो, साउथी को मैं थोड़ा इग्नोर करके चल रहा हूँ कि एक रीज़न इसके पीछे कि साउथी जो अब स्टार्टिंग में थोड़ी इसकी बहुत स्विंग वगैरह होती है, बट अगर इसका स्टार्टिंग में अगर अच्छा कर मतलब नहीं करके गया तो ये फिर वेस्ट हो जाएगा। प्लस साउथी का एक बेस्ट पॉइंट ये है कि थोड़ी अच्छी बैटिंग कर लेता है, हिटिंग वगैरह करता है, तो ये पॉइंट दे सकता है, तो ये सोच के अगर आप चाहो तो साउथी को ले सकते हो। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ कि मैं किसको लेके जाऊँ, किसको छोड़ के जाऊँ, तो मुझे लगता है कि मुझे एक प्लेयर को छोड़ना पड़ेगा, बढ़िया प्लेयर हो किसी को, क्योंकि राहुल तो ओपन करने वाला है, ग्रेड की दिक्कत आने वाली है, ग्रैंड होम इस पिच पे अच्छा रिकॉर्ड है, जडेजा को चाहे तो जडेजा को ले सकते हैं हम, सेंटिनर अच्छा पिच पिक है, यहाँ से हम चाहे तो फिर हम साउथी की जगह यहाँ से हमने ईश सोडी, नवदीप सैनी, आप चाहो तो सोडी को ले सकते हो, मैं नवदीप सैनी को लूँ क्योंकि इसके बाद अच्छी पेस है, ऐसी पिचेस पे ये थोड़ा लीथल बॉलर बन सकता है क्योंकि इसके पास स्पीड है और बाउंस अच्छी है इस पर, तो इसको थोड़ा हम प्रेफर करके चल सकते हैं। तो इंडिया के मैं 3 बैट्समैन वही प्रेफर करके जा रहा हूँ, और इनके यहाँ मैं थोड़े 4 करके जा रहा हूँ, इंडिया के बॉलर इसलिए लिए कि ये विकेट भी लेंगे तो चारों की बैटिंग बनने का अच्छा खासा मौका मिलेगा, और यहाँ से मेरे को इनके 2 बॉलर भी मिल चुके हैं, तो हम अच्छी खासी टीम बन चुकी है, एक बैलेंस टीम लग रही है। यहाँ पे ग्रैंड होम थोड़ा मिस लग रहा है मुझे, चाहो तो आप यहाँ मुनरो या इसकी जगह ले सकते हो, बट आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप पूरा देखना देख सकते हो, मैं चाहूँगा कैप्टन रहूँगा, मैं विराट कोहली के साथ ही जाऊँगा कैप्टन, आपको सबको पता ही है, मैं वाइस कैप्टन रहेगा मेरा रोहित शर्मा, तो ये मेरी टेम्परेरी टीम रहेगी। इसकी जो फाइनल टीम होगी कि मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर, स्क्रीन पर नाम दिखाई भी दे रहा होगा, सर्च मारना है ड्रीम इलेवन डॉक्टर टेलीग्राम चैनल में, बिना गैप दिए कम से कम 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो उसको ज्वाइन कर लेना, और यहाँ आपको बिल्कुल स्मॉल लीग की फ्री टीम्स मिलेगी, स्मॉल लीग्स की ओनली फ्री टीम्स मिलेगी आपको, यहाँ पे स्मॉल लीग्स की आपको फ्री टीम मिलेगी बिल्कुल, तो यहाँ इसको ज्वाइन कर लेना, 1900 प्लस सब्सक्राइबर से 2000 हो जाएंगे, तो इसको ज्वाइन कर लेना। आज हमने काफ़ी अच्छी विनिंग्स करी है, बट आज मेरे को एक शॉकिंग बहुत बुरा लगा कि डैनियल ह्यूजेस जो 2 साल से इनके लिए ओपनिंग कर रहा है स्ट्राइकर से, उसे ओपन नहीं भेजा गया, बहुत बड़ा मतलब मुझे समझ ही नहीं आया, रीज़न नहीं पता मुझे क्या हो गया इसके साथ कि इसको ओपन नहीं भेजा, इतना बढ़िया प्लेयर है, मुझे इनकी टीम का एक वन ऑफ द कंसिस्टेंट बहुत बढ़िया प्लेयर लगता है, और प्लस जो मेरी थिंकिंग थी कि वो बिल्कुल सही रही थी, प्लस मैंने विन भी कराया वो बात अलग है, बट जो मेरी थिंकिंग थी कि मेरी बिल्कुल थिंकिंग सही गई थी, मुझे पता था कि अपोनेंट टीम के जल्दी ऑल आउट टीम आउट होगी, प्लस इनके ओपनर ही मार जाएंगे, तो मैंने इसलिए ह्यूजेस को ये लिया था, बट इन्होंने क्या करा, विंस को और मैच में नीचे भेजते थे, इसको ओपन भेज दिया, तो ये उन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया आज। तभी कहता हूँ मैं फैंटेसी हमेशा 5 से 10% जो है वो आपके रिस्क पे और लक पे डिपेंड करती है, बट स्टिल आई विन 10,000 विन करे सेम टीम से माई 5/11 ऐप पे, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ ये ऐप बहुत बेस्ट है, मेरे को यहाँ पे हमेशा विनिंग होती है, तो मैं आपको मेरे सब्सक्राइबर सारे यहीं खेलते हैं, बहुत अच्छा खेल विन करके जा रहे हैं, प्लस जो मॉर्निंग मैच था वो भी हमने विन करा आज, देख सकते हो ये हमारा आज सबके कैप्टन थी, ये हमारी वाइस कैप्टन थी, क्योंकि पिछले मैच को देख के काफ़ी किसको बैटिंग आज गेम ही कैप्टन वाइस कैप्टन का था, टीम आपको सबकी सेम मिलेगी, तो हमने वो बैंटिंग को मैंने नहीं लिया था, ये मैंने आपको दिखाता हूँ, बैंटिंग को मैंने चेंज करवाया था बाद में बोल के, मैकफर्लिन वो गलती से मैंने टीम सेव करते हुए इसको ले लिया, बट मैकफर्लिन मैंने ली थी, तो मैंने उसी टाइम कह दिया था 6 मिनट बाद कि इसको ले लो, तो हमने अच्छी खासी विनिंग करी आज, और सीधा आते हैं हम और मुद्दे पे, तो अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन ना चाहते हो ग्रैंड लीग में, तो पिछली बार क्या हुआ था, एक मैच में शिफर्ट और मुनरो ने ओपनिंग में बहुत गदर परफॉर्मेंस मचाई थी, दोनों ने ही उस मैच में शायद कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ही रहे थे, तो मुझे लगता है क्या पता ये परफॉर्मेंस दोबारा कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में तो भाई ऐसी कॉम्बिनेशन सोच के जाने पड़ते हैं, तो मुझे लगता है क्या पता वो ऐसा दोहरा सकते हैं, क्योंकि ऐसी पिचेस होती हैं जो कि वो जी बात दोहरा देती हैं, केन विलियम्स जो कंसिस्टेंट है इसको ले सकते हो, राहुल को ले सकते हो क्योंकि इंडिया में इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, तो थोड़ा हो सकता है, तो हमेशा से मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि कौन सी ऐप पर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने देखा होगा मैं ड्रीम इलेवन अकाउंट में वहाँ पर सिर्फ ग्रैंड लीग खेलता हूँ, स्मॉल लीग कहाँ खेलता हूँ, माई 5/11 ऐप पे, जो कि सबसे बेस्ट ऐप है रीसेंट टाइप में, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसकी रीज़न बताता हूँ कि बेस्ट ऐप मुझे अभी क्यों लगती है, आप भी मान जाओगे, तो आपको दिखाता हूँ मैं इंडिया वाला मैच खोल के, तो
तो इंडिया वाला मैच में आपको यहाँ पे क्या कि आप 11 प्लेयर वाली टीम भी खेल सकते हो। बैटिंग में क्या होता है कि 5 बैट्समैन वाली मैच के साथ जा सकते हो, 5 बैट्समैन लेने हैं उसमें फिर वाइस कैप्टन कैप्टन बनाना है, इसमें थोड़ी क्रिएट की दिक्कत आती है। पर बॉलिंग में 5 बॉलर लेने हैं इसमें कभी क्रिएट की दिक्कत नहीं, मनपसंद 5 बॉलर ले सकते हो, उसमें वाइस कैप्टन और कैप्टन करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन उसी करा करो जो डेथ में बॉलिंग करता है, सिंपल सा रीज़न ये है। तो इसमें मैं कभी कभार बीच में बहुत अच्छा खेलता हूँ बॉलिंग वाली फैंटेसी। तो हो गया, अब यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है कि देखो ग्रैंड लीग में आप जीत सकते हो अच्छे प्राइस, यहाँ पे ग्रैंड लीग के भी अच्छे अच्छे अमाउंट्स के प्राइस है, प्लस आप बोनस दे सकते हो। 10% बोनस दीज हो रहा है, 15% बोनस दीज हो रहा है और 15% बोनस दीज हो रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका, देख लो जो ड्रीम इलेवन आपसे 5750 रुपये चार्ज करता है हेड टू हेड की, उसमें आपसे लेता है सिर्फ 5195, जिसमें से आपके 550 रुपये में बैठे बैठाए सेव हो रहे हैं। और प्लस आपका देख लो 5% हर लीग में हेड टू हेड और जो मर्जी उसमें सब में यूज़ हो रहा है, तो एक बहुत सबसे बेस्ट ऐप बन जाती है, अलग है जो मुझे इसलिए मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं रहती है क्योंकि मेरे बहुत पैसे सेव हो जाते हैं यहाँ पे एंट्री फीस को लेके। प्लस यहाँ पे मुझे रादर देन बहुत अच्छी विनिंग भी होती है और मेरे सब्सक्राइबर्स 6-7 महीने से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बट कईयों को क्या होता है कि जो नई ऐप होती है उनमें थोड़ी हेजिटेशन होती है खेलने में कि हमारा पैसा स्टक ना हो जाए। बट आप मेरा रेफर कोड डाल के खेलो SARVUT50, ये इसका लिंक और रेफर कोड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो इस रेफर कोड डालने का फायदा ये होता है कि आप किसी मेरे रेफर कोड के थ्रू जाओगे तो मेरा कॉन्टैक्ट उनसे सही है। तो एक यूट्यूबर का कॉन्टैक्ट पहले होता है, जब मैं इनसे बात करता हूँ तभी मैंने ये आपको ऐप रेफर करी है। 6-7 महीने से हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मेरा रेफर कोड जिसने भी यूज़ किया है, प्लस मुझे आज तक इस ऐप में कोई दिक्कत लगी नहीं है। तो आप इस ऐप को खेल सकते हो, आपको विड्रॉ में कोई दिक्कत आएगी नहीं अगर मेरा रेफर कोड यूज़ करते हो आप। तो प्लस आपको ऑफर्स वगैरह मिल जाएंगे, प्लस आपको ऐप में कोई दिक्कत है मुझे मैसेज कर देना। अगर मेरा आप रेफर कोड यूज़ करोगे आप मेरी लिस्ट में शो हो जाओगे, तो आपको कभी कोई मैसेज कोई दिक्कत आती है मुझे मैसेज कर देना, मैं सॉल्व करवा दूंगा।